करेंगे वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो इससे पहले हमने मीटर रॉड पढ़ा है। मीटर रॉड जो सबसे छोटी पैमाइश जो माप सकता है वो एक मिलीमीटर है। एक मिलीमीटर से कम वो पैमाइश नहीं कर सकता। उससे छोटी पैमाइश के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसकी तारीफ में आप देख सकते हैं कि ऐसा पैमाइशी आला जो किसी चीज़ की लंबाई मिलीमीटर के दसवें हिस्से तक, मिलीमीटर के दसवें हिस्से तक, ये यानी एक मिलीमीटर अगर है उससे जो दसवां हिस्सा है उसका, ठीक है, उस तक दुरुस्ती से माप सकता है। मिलीमीटर से कम पैमाइश को मापने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर सकते हैं और दसवें हिस्से तक ये माप सकते हैं। अब इसकी ये साफ बनाई गई है, इसके अंदर क्या क्या हिस्से हैं ये हमने देखना है। अब ये वर्नियर कैलिपर है, इसके अंदर ये आप देखिए तो गैर मुतारिक जबड़ा है। गैर मुतारिक जबड़ा है कि जो बिल्कुल फिक्स है एक जगह पे, ठीक है। इसके ऊपर मुतारिक जबड़ा है, ठीक है। और ये जो पीछे आपको स्केल नज़र आ रहा है, ये वाला स्केल आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। और ये वाला जो आपको डायल के अंदर नज़र आ रहा है ये वर्नियर स्केल है। इससे आपने याद रखना है इसके, ये ऊपर वर्नियर स्केल है, ये वाला नीचे वाला जो है ये मेन स्केल है, जो बड़ा स्केल है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, वर्नियर स्केल, ठीक है। इसी तरीके से दो जबड़ों पे है गैर मुतारिक जबड़ा मेन स्केल से मुंसलिक है, जो पीछे वाला है वो गैर मुतारिक है, वो हरकत नहीं कर सकता। ऊपर वाला जो है मुतारिक है, मुतारिक को हम हरकत कराते हैं आगे पीछे, वो हरकत करता है, उसके अंदर हम किसी चीज़ को फिक्स करते हैं जिससे हम उसकी लंबाई मालूम कर सकते हैं। वर्नियर स्केल में 9 मिलीमीटर फासले को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके अंदर जितने फासले होते हैं 1 मिलीमीटर को वर्नियर स्केल के अंदर ये जो 1 मिलीमीटर है उसको 10 हिस्सों में तकसीम किया गया, ठीक है। और इसका हर जो हिस्सा है वो 0.9 मिलीमीटर के मसावी है, ठीक है। इस तरह मेन स्केल और वर्नियर स्केल के छोटे हिस्सों में जो फासला है वो 0.1 है, मतलब ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, इनके छोटे छोटे हिस्सों में जो फासला है वो 0.1 मिलीमीटर है। आपने ये याद रखना है कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से क्या मुराद है, इसका मतलब है कि जो छोटी से छोटी पैमाइश जो वर्नियर कैलिपर से हम माप सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो ये कैसे निकालते हैं, मेन स्केल पर छोटी रीडिंग, मेन स्केल जो है उसके ऊपर जितनी भी रीडिंग है मैंने बताया है आपको कि 1 मिलीमीटर 2, 3, 4 इस तरह है, तो 1 मिलीमीटर सबसे छोटी रीडिंग है, बटा वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद। ये वर्नियर स्केल पर कितने दर्जे हैं, 10 दर्जे हैं, तो इनमें दर्जों की तादाद क्या है, 10, तो 0.1 मिलीमीटर हो गया। इसको अगर आप सेंटीमीटर में करें 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके बाद आपने देखना है कि जीरो एरर वर्नियर कैलिपर का किस तरह निकालते हैं, वो बदले रखते हैं।